अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे जी। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिकन रोस्ट बॉइल्ड राइस। तो जी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है हमारी, क्विक एंड ईजी बनेगी। चले तो व्यूअर्स हम अपनी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये हमने चिकन ले लिया और चिकन के मैरिनेशन के लिए हमें एक बाउल दही चाहिए होगा। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये हमारे पास है जी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चाट मसाला, ये हमारे पास धनिया पाउडर, थोड़ा सा हमने लिया है जी हल्दी पाउडर, और ये है जी हमारे पास सूखा धनिया और थोड़ी सी अजवाइन। इसके साथ व्यूअर्स हम ये लहसुन का रोस्ट मसाला थोड़ा सा टेस्ट के लिए करेंगे, बाकी हमारे घर के मसाले ही होगा, लेकिन ये हम थोड़ा सा टेस्ट के लिए डालेंगे। इसमें थोड़ा सा मसाला ये ऐड कर देंगे इसमें। चलें तो चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने कट्स इसमें लगवाए हुए थे, हम इसमें एक बाउल दही ऐड कर देंगे जो हमने रखा हुआ था। जो हमने ये मसाले रखे हुए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सही हो गया। अजवाइन और सूखा धनिया भी हम इसमें डाल देंगे। ये जो हमने ब्लैक पेपर और पेस्ट रखा हुआ था अदरक और लहसुन का, हम ये भी इसमें डाल देंगे। फ्यू ड्रॉप्स अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। चावलों को हमने सोक करके रखा हुआ था, ये हम अब 30 मिनट्स के लिए चिकन को भी मैरिनेट करके रख देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथों से, और फिर हम इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेशन के लिए। इसमें थोड़ा सा जो लहसुन का मसाला था हमारा रोस्ट मसाला, वो ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हम रेड चिली भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले जो मसाला था उसे मैंने हाथों से मिक्स किया था, अब इस स्पैचुला की मदद से हम जो है जी सही हम मसाला कट्स में भी इसको फिलअप करेंगे। इसको हम दूसरी साइड से भी टर्न कर लेंगे। थोड़ा सा हमने ना इस पर ये फूड कलर ऐड कर दिए, फिर इसमें एक अच्छे से कलर आ जाए चिकन पे। अब हम ये फोक ले लेंगे और फोक से हमें इसको इस तरह करना है गोश्त को कि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से निकल चला जाए। आप इसे दोनों हाथों से करना है, अच्छे से आपने फोक से सारा करना है इसको कि आपका मसाला जो है वो चिकन में अच्छे से रच जाए। ये देखिए अच्छे से मसाला हमने लगा दिया। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे 30 मिनट्स। प्लास्टिक शीट है तो आप उसे रैप करके रखें, वरना ऐसे ढक के रख दें। चलें फिर 30 मिनट्स हम वेट करते हैं, फिर हम अपना चिकन बनाना स्टार्ट करेंगे। चिकन जो है हमने 30 मिनट्स तक इसे मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था। अब हमने एक कढ़ाई ली है, सही बड़ी सी है ये, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है ये देखें नीचे स्टीम के लिए, और ऊपर ये हमने ये छन्नी सी रखी है चावलों वाली। तो अब हम इसको स्टीम देंगे 20-25 मिनट्स के लिए, ठीक है। अब हम इसे ढक के रख देंगे 20-25 मिनट्स तक हमने इसे स्टीम देंगे। चिकन हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया पक के, अब हम इसे निकाल लेंगे हम जवे को। ठीक तो अब हम अपने चावलों को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक अदद हमने प्याज लिया था और उसको हमने काट लिया है, अब हम इसे और ऐड कर देंगे। तो जी हमने अपना प्याज डाल दिया। जब तक हमारा प्याज फ्राई होता है हम उसी कढ़ाई में, ये देखें हमने जो पानी रखा था इसको स्टीम देने के लिए, तो ये इसमें मसाला और वो जो पानी था वो हमने ले लेना है, हमने ये चावलों में यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाला और अब हम इसको उसमें इस चिकन को ऐड कर देंगे, उसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देखें अब हमें इसे थोड़ा सा फ्राई करना है, इसको पलट लेंगे साइड से करके। ये देखिए हमने इसके साइड को पलट दिया, हम इसे दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा चिकन पक के रेडी हो गया। अब हम चलते हैं अभी
चावलों की तरह, तो हमने फ्राई कर लिए। देखिए हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो गया, हमें जो सूप वाला पानी हमने चिकन से निकाला था इसलिए हम इसको डाल देंगे। ठीक, तो चावलों की मुनासबत से हमने इसमें पानी ऐड कर लिया। हम इसमें इसके जायका नमक ऐड कर देंगे। पानी देखिए ड्राई हो रहा है, हमने करी पत्ता भी ऐड कर दिया। ये देखिए व्यूअर्स, हमने चिकन को चावलों में रख दिया। अब हम जो है इसको दम देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे दम पे रखेंगे। व्यूअर्स, हमारे राइस और चिकन दोनों बिल्कुल हो गया तैयार। अब हम व्यूअर्स, हमने चिकन को कर लिया और चावलों को कर लिया डिश आउट। ये देखिए हमारी कितनी यमी और मज़ेदार रेसिपी तैयार हो गई है। होप सो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान में इफ्तारी में बनाइए और अपने अपने फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।